अस्सलाम वालेकुम मेरे कारोबारी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, खुर्शीद अहमद या खुर्शीद हैदर आटा चक्की साटा विज़िट करने आए हैं खाने वाले के पास। नीचे से भी आपको सेटअप दिखा देते हैं। मदीना वालों की दो कॉन्स लगी हुई हैं, एक विद मोटर 3 HP और एक विदाउट मोटर डस्ट बार निकालने के लिए। ट्रांसफर पावर का 25 किलोवाट का ट्रांसफार्म है। डस्ट वगैरह निकालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये साइक्लोन लगी हुई है लोहे के अंदर। बैक साइड पे बाहर निकाल के इसके साथ अटैच किया हुआ है साइक्लोन को। और अंदर वाली साइड पे मशीनरी की बात करें तो सबसे पहली मशीन जो है वो स्केल, स्केल के बाद नेक्स्टली छानने की तरफ आते हैं। छाना लगा हुआ है बंद बॉडी का। अस्सलाम वालेकुम भाई काशिफ। वालेकुम अस्सलाम भाई, की हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र भाई। वर्म की कितनी एवरेज है तकरीबन घंटे दे विच? घंटे दे भाई जान कर जांदा 25 मिनट चाके छाने च सड़ देंदा वा। छाने दी की एवरेज है घंटे दी? एदी भी तकरीबन 20 तो 25 मिनट है जी। 20 तो 25 मिनट हैगी है। एदा तकरीबन जेड़ा डस्ट वगैरह उड़दा वा कंट्रोल रहंदा वा? बिल्कुल कंट्रोल रहंदा भाई। बाहर असी लाए हुए ना, तो छोटी एक कॉल लाई हुई है। हाँ जी, डस्ट मतलब अंदर भी नहीं होती, बाहर गली भी कोई डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक हो गया। इस तो बाद चक्की ताड़े को किना दी लगी है? चक्की साड़े को भाई जान 10 की लगी हुई है जी। एक दलिए ले बिस्मिल्लाह लो पहाड़े वाला की लगी हुई है जी। जड़ा लगा हुआ पालशर, पालशर मुंह वाला लो पहाड़े दा जी। ठीक हो गया। ते साइक्लोन ताड़े को मदीना वाले? भाई मदीना वाले ते गुजरा वाले। ठीक हो गया। मशीनां दा रिजल्ट किना दा तुहानू सब तो चंगा जिहड़ा महसूस हुंदा वा चक्की दे विच, दोनों बराबर आ या फिर? माशाल्लाह हर घर दी अपनी चीज़ है जी, अच्छे रिजल्ट है सारे दे। अच्छे रिजल्ट है, ठीक हो गया। ते होर किसी कंपनी का तुम चला के देखे SM18 हाले तक? नहीं भाई जान, असी तो सैटअप जो लाया साढ़े को मुगल का चल रहा है माशाल्लाह, जबरदस्त चल रहा है। चक्की भी डस्के की जी लाई से शुरू से होगी माशाल्लाह चलती पी। साइक्लोन इशफाक भाई मदीना ले उन्होंने जबरदस्त माशाल्लाह चल रहा है। जी उपरली मोटर 3 HP की है? ये उपरली 3 है जी। जी गेयर से लगी है आ कितने HP? मेरे ख्याल क्वार्टर की है, पौनी पौनी जी। हाँ बिल्कुल छोटी जी मोटर है जी, अद्धी की है या क्वार्टर की है? ठीक हो गया। उस तो अलावा जी चक्की आई घंटे की उस कि तकरीबन? असी उमर भाई कभी नोट नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल 8 to 10 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह आराम नाल करती है घंटे के बजे तकरीबन। नॉर्मली तुसी चलाने ज़्यादा प्रेशर नहीं पाते मशीन? नहीं नहीं प्रेशर असी कभी नहीं पाया, असी 20 to 25 एम्पेयर के दरमियान चलाने। 25 एम्पेयर साढ़ा मतलब साइक्लोन भी होता है, साढ़ा छानना भी होता, साड़ी चक्की भी होती, हर चीज़ चल रही होती है। मतलब मोटर भी सुकून ना चल रहे ना, उसके उत्ते कोई दबाव इतना। मोटर कितनी HP की है? 25 HP है जी। 25 HP आ, ते चक्की 50 नंबर ते जी दलिए वास्ते लाई भी 50 नंबर जी, वह भी 50 नंबर की है। डस्ट कटने वास्ते जरा बलोर लगा अपना लगा हुआ वा एग्जॉस्ट फैन? एग्जॉस्ट फैन 2 फुट का जी। ये 2 फुट का वा? एक किसी कंपनी का वा या फैसलाबादों भाई? नहीं नहीं भाई रॉयल वाले का। रॉयल वाले का जी। ये कोई बेहतरी होंगी है चक्की के जी? माशाल्लाह इस डस्ट का भी बड़ा फायदा है, तो गर्मियों के वेना अंदर गर्मी भी नहीं होती, हीट बिल्कुल नहीं होती। अद्धी हीट तो साइक्लोन खत्म हो जाती हाँ जी, तो बाकी जो एग्जॉस्ट ना खत्म हो जाए। यानी कि जो उपरला सैकेंड साइक्लोन आ पाइप बाहर ही कड़ना चाहिए वो सैकेंड साइक्लोन, मतलब जो कह रहे हो उपलो गर्म हीट वाला? हाँ जी वो तो बाहर ही है जी, क्योंकि मेरे थोड़ी सैटिंग इस किस्म की, मेरी जगह छत कम है, असी फिर साइक्लोन दोनों उपर फिट किए हुए हैं। ਕੋਨਾ ਚਾਹ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀਟ ਵਾਲੀ ਕੋਰ, ਉਹ ਐਲਬੋ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖਲਾਜ ਛੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਸ ਘਟਦਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਹਵਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਬਲੋਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਨਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਸਨ
तो गंदम का आटा बनाई दा। अगर साढ़े कोई मक्की का आटा भी कहे ना जी, हाँ जी। और फिर अलहदा जी साड़ी है ना दली वाली, हाँ जी, वो मतलब फ्रेम कस के दूसरा जाली बरीक का, हाँ जी, वो मतलब बनाई दा। साइकलोन च कभी बेसन फसया? नहीं जी अलहमदुल्ला कभी नहीं फसया। साढ़े को होलसेल डीलर ने करियाने वाले जी जी साढ़े अलहमदुल्ला पाँह तोड़े भी आवड़ ना बेसन दे जी, शुक्र अल्लाह का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। डस्क वाली जी चक्की है यदा थलड़ा मूँह बदलिया लगता? नहीं सर बदलिया नहीं है, मूँह ए तो ये जो अस साइकलोन लाया से ना जी, तो बच्चा खड़ा साढ़ा ऑपरेटर है समर इधर आ, फिर समर भाई ने ना इस कलर कर दिता से, साढ़ा ऑपरेटर है सारा मशीनरी वगैरह ही चला जी। ठीक हो गया, यानी कि ऑपरेटिंग सारी मशीन दी इना दी जी जी इना दे दी माशाल्लाह, ये सारी मशीन चला दे। मशीन दी वाइब्रेशन कितनी के डस्के दी? वाइब्रेशन भाई जी ओ तुसी एक देखया होना है अपने भाई ने एक चक्की वाले ग्रुप दे विच, उन्होंने एक दिन वो सिक्का लाया होया सी, हां जी हां जी, ते असी भी ओ तजुर्बा कीता है ते मेरी भी वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह वाइब्रेशन जीरो है, कोई वाइब्रेशन नहीं। साइक्लोन दी कोई वाइब्रेशन ब्लोअर कोई ए साइक्लोन दी पहले दी कोई वाइब्रेशन नहीं, ये मदीना वाले साइक्लोन जिन्हें कोई लगे ने जो मोटर ऑफ करी दी ना, हाँ जी, थोड़ा जहा धड़का जहा लेता है सारे का ही लेता है, हाँ जी, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। इस अलावा जो छानना वा यदि वाइब्रेशन वगैरह या बिल्कुल कोई नहीं जी, ये तुम वेखो ना अभी फ्यूडिशन बनाए ने जी, ये बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, ये लेवल करके वाटर लेवल जो होंगे मिस्त्रियों वाला रख के, तो कोई नहीं वाइब्रेशन नहीं, सफाई माशाल्लाह जबरदस्त है। मोटर का बैक साइड पखा गया वा ए जी है इस तरीके बंद बाडी वाली है 900 चक्कर दी जी, ते माशाल्लाह जबरदस्त है कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। नेक्स्ट डीपी सिस्टम मेन ताडे को जड़ी लगी हुई है आम लगी है या इन्वर्टर? नहीं जी आम स्टार डेल्टा वाली लगी है, मतलब मैग्नेट स्टार्टर लगा है, स्टार्टर वाली लगी हुई है, मैग्नेट कनेक्टर वाली नहीं, मतलब एक होता है ना VFD वगैरह वाले इन्वर्टर वो सीन नहीं है। पुश बटन तो स्टार्ट होंगी या गियर तो स्टार्ट होंगी? ये पुश बटन तो फिर जो मोटर रन कर दी है, हाँ जी 25-30 सेकंड बाद फिर गियर फाड़ लेंगे, आपे चेंज हो जाता आपे आपे चेंज, मैग्नेट कनेक्टर लगे हुए। हाँ जी लगे। ठीक हो गया। जाली आटे के कितने नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं? आटा सर 20 नंबर 00 की जाली। हाँ जी ठीक हो गया। इस तो अलावा और कि शायद तुम जी अपनी बना रहे हैं जाती? सर जी साढ़ा नाल करना है जी, असं अपना मतलब गंदम लैके आटा भी सेल करते हैं जी, तो जो चावल वगैरह ने उसी अपना मतलब मूंजी लैके अपने चावल बना रहे हैं। मुझे लगा कि अपने चावल की क्वालिटी दिखा सकते हैं? बिल्कुल समझ बेटा चावल बताया आपका चावल जो SM18 लगा ये फक कमरे वगैरह च इकट्ठी कर देंगे? नहीं बाहर असी बाहर से है साडा जी, असी बोरा लाया उसे जाने ऐ साडा है जी, असी चावल बनाने हैं टोटा वगैरह इच्चो लैदा कर दें कि नहीं? नहीं ये माशाल्लाह रिजल्ट आया तो टोटा इतना होंगे ही कोई नहीं, टोटा है ही नहीं ये टोटा होंगे ही। ऐसे अगर मुंजी गिली हो ना जी, हाँ जी वो दे फिर टोटा होंगे, मुंजी अपनी लैके सुको नहीं? बिल्कुल जी अपनी लैके सुखा के फिर उन्होंने कड़ी जाए। इन सुखाने का तरीका की होंगे? इन सुखाने का तरीके जी मतलब जी अजकल है ना दो तो तीन इन मतलब धुप्पा लवानी चाहिए ने, हाँ जी जो तुम्हें मुंजी सुकने पाई दी है ना, हाँ जी उस दो तीन दफा उसको कल्टी दियो, मतलब वो पैर वगैरह मारो उपर ला हिस्सा तले तले वाला उपर हो जाए, बस जरा लोग इन सुट देंगे ने शाम तक पई उपरों खुश्क हो जाता है तले उंजे गिला होंगे, उसकी वजह तो भी मुंजी खराब होंगी सही चावल नहीं बनता अद्धा सुक जाता अद्धा गिला होंगे। चलो अल्लाह खैर करें मशीन भी स्टार्ट करोगे जरा वर्म तो माशाल्लाह वर्म ए समर बेटा चला डाल पाए ने बीच भाई भाई ऑपरेटर ने जी ऑपरेटर ने
बिल्कुल डस्ट कंट्रोल है, बिल्कुल भी नहीं उड़ रही। भाई कुछ चीज़ आटा चक्की भाई, आटा चक्की साथ ही चलाते हैं। हाँ जी, तकरीबन वर्म प्लस छाना 2.9 पेयर ले रहे हैं। सबसे पहले साइक्लोन भी चल गया और गियर की मोटर भी चल गई है। हाँ जी, वो भी चल गई है, वर्म भी चल रहा है और छानना भी चल रहा है। रोड है छानने के ऊपर, तीन की मोटर है जी, तीन की मोटर है, तीन की मोटर वो चल रही है, वर्म भी चल रहा है, साइक्लोन भी चल रहा है और रोड 6 एम्पीयर है। 6 एम्पीयर है के खुला हुआ है साइक्लोन का, ये चल रहा है, एक पेटी के अंदर स्टोर हो रहा है जी। अब वो भी आता है कि इसके अंदर जमा हो, ठीक हो गया, पेटी लगवानी चाहिए। पेटी आता तो फायदा ही पेटी का है, फायदा ही पेटी का है। हाँ, अभी काम हो रहा है आराम से। पूरा एम्प्टी है अभी तक, आटे की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नरम आटा है, मुलायम आटा है, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी है इसकी, बन रही है डली। ये गिलास से पता लग रहा है कि आटा हो के जा रहा है, वो ऊपर वाली साइड पे साइक्लोन में गिलास लगा हुआ है, वो देखें, उससे पता लग रहा है कि आटे की रवानगी चल रही है। ये आटा इस जगह पे जमा हो रहा है और ये नट लगाए हुए हैं 8 ताकि पता लगे यहाँ तक पेटी भर गई है। आटा बिल्कुल पेटी के अंदर इस जगह पे स्टोर हो रहा है, जब आटा ज़्यादा भरेगा फिर उस वक्त उस जगह पे नज़र आएगा। अपोजिट साइड पे इन्होंने टाकी बांधी हुई है ताकि चलने का पता लगे कि साइक्लोन इन वर्किंग है या बंद हो गया है।
इंशाल्लाह मजीद बेहतर वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह निगेबान। अस्सलामुअलैकुम।